वेलकम बैक इन माई चैनल। टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। दिस इज ए क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक के, एक्सरसाइज बुक के। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक चैप्टर मैं ज्योग्राफी का करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, Why are resources distributed unequally over the earth? कि हमारी जो resources है, जो हमारे स्रोत हैं, वो किस तरह से एक unequal form में, मतलब बिना विभिन्नता से हमारे, मतलब फैले हुए हैं या बटे हुए हैं हमारे अर्थ पर हर जगह। क्योंकि आप देखें कि कुछ जो जो resources है, कुछ पहाड़ी एरिया पे है आपको मिलेंगे, कुछ आपको मिलेंगे कि क्या नाम जो प्लेटू एरिया में मिलेंगे, कुछ आपको सीएल में मिलेंगे। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हर तरह से अलग अलग रीजन में डिवाइड होती है। कहीं पे आप कह सकते हो एक पे इक्वेटर, इक्वेटर से ये आपका ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल रीजन होता है जिसमें हमारा जो मतलब यहाँ क्या होते हैं, हीट होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मौसम होता है, ताकि वो हमारी वनस्पति वगैरह काफ़ी होते हैं। उससे आगे फिर हमारा फ्री जोन, इस तरह से आप कह सकते हो कि ये, तो इस तरह से अलग अलग अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर्म इसमें बटा हुआ होता है। तो क्यों बटा होता है, तो इसके लिए अब हमें करना है किसके है कि अर्थ हैज़ द डिफरेंट इन द टोपीग्राफी। जो हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग एक टोपीग्राफी, मतलब आप कह सकते हैं कि भूभाग, भूभाग या क्लाइमेट, मौसम पर या एल्टीट्यूड या हाइट के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें होती है। टोपोग्राफी किसी में आपको जैसे भाई इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर है और इससे जो पहले ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हीट ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, ठंड बढ़ती चला जाती है, फ्रीजिंग जोन में होगा। तो हमारा जीरो से लेकर और मतलब 23 हाफ और 23 नॉर्थ, ये हमारा ट्रॉपिक रीजन है। फिर उससे आगे फिर हम कह सकते हैं फिर उसमें आगे आते जीरो। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भी हमारा अर्थ इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है अलग अलग ट्रॉपिक क्लाइमेट मौसम के अनुसार, एल्टीट्यूड पहाड़ी एरिया पे तो ज़्यादा आपको ठंड नजर आएगी, लेकिन आप यदि भी इक्वेटर के पास, इक्वेटर के आसपास के एरिया में, तो आपको ज़्यादा गर्मी नजर आएगी। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग डिफरेंट इन द दिस द फैक्टर हैज़ रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स बर्थ। इसलिए जो हमारे जो रिसोर्सेज है जो वो बटा हुआ है अलग अलग मतलब रीजन में, उसी कारण से क्या है कि वहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है अर्थपन मतलब अनइक्वल, मतलब एक असमानता रूप में ही बटे हुए होते हैं। आल्सो द ऑल द दिस द फैक्टर आर डिफरेंट फॉर प्लेस टू प्लेस ऑन द प्लेनेट। और इसलिए जो ये फैक्टर होता है रिसोर्सेज के जो होते हैं, ये काफ़ी अलग अलग होते हैं हर स्थान पर अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग। मोर ओवर द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लेवल डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी हमारा विकास, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, कि देखना है कि किस रीजन में हमारा किस तरह के विकास है, किस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो भी हमारा डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जहाँ पे ज़्यादा हम अपने आइडियाज़ को या अपने डेवलपमेंट को या फिर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ज़्यादा का हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। किस तरह से क्या है कि रिसोर्स को कंजर्वेशन, हमें सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है, तो वो क्या है? द सेविंग द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज द कार्ट ऑफ कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम बचा कर रखते हैं अपने रिसोर्सेज को, स्रोतों को, अपने भविष्य के लिए, जो भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो उसके लिए उनको सुरक्षित रखना ही हमारा ये होता है कंजर्वेशन। इफ द प्रोटेक्शन एंड द इथिकली यूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स सच ए मिडल। इसलिए ये हमें क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा करना है इथिकली, नैतिक रूप से, कि जो भी हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये काफ़ी कीमती रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे मिनरल्स होंगे, हमारे मतलब वो होंगे, मतलब मिनरल्स होंगे, हमारे खादान होंगे, खादान में से निकलने वाले मटेरियल है, जैसे हमारा लोहा, आप कह सकते हो सोना है, चांदी है, हीरा, जो भी चीज़ें हैं, वाटर है, ट्री है, तो वाइल्ड लाइफ, जो भी हमारे जंगल में जो लाइफ होती है, अदर जो भी हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एथिकली यूज़ करते हैं इन रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन फोकस ऑन द मेंटेनेंस द नेचुरल वर्ल्ड। इसलिए जो रिसोर्सेज होता है वो कंजर्वेशन, संरक्षण करना, और अपने मतलब जो भी हमारा टारगेट है उसको एक केंद्र करना है, ताकि हमारा जो प्राकृतिक, जो हमारा संसारिक, जो हमारा प्राकृतिक, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको बचा कर रखे। किसके द्वारा? जो भी हमें ये रिसोर्सेज मिले हैं, जो भी सोर्स मिले हमें अर्थ पे, तो इन चीज़ों को ही बचा कर रखना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उससे पहले याद करने का मीनिंग होता है कि आपको एक सही मीनिंग होना चाहिए, ताकि आप
कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हो और आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रिसोर्सेज क्या हो, कंजर्वेशन क्या है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसमें आया हमारी वाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, हमारे जो मानव के मतलब रिसोर्सेज तो वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मतलब मानवता, जो मानव अपने आइडियाज़ को अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्स को डेवलपमेंट करते हैं, तो वो इसीलिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या दिया है कि ह्यूमन आर द रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, जो हमारे जो मानव के जो भी मानव जो रिसोर्सेज के रूप में वो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू एडजेक्ट वैल्यू, जो क्योंकि उसकी एक योग्यता तो होती है एडजेक्ट, वो निकाल सकता है कीमत फ्रॉम द ओल्ड रिसोर्स, सभी जो दूसरी तरह के रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से उसमें से एक नया रिसोर्सेज को निकाल सकता है, नई टेक्निक्स को निकाल सकता है। अब जैसे आयरन ओर से हमने कोयला, तो कोयला पहले पता नहीं, लेकिन हमने उसको एक यूजफुल फॉर्म में निकाला, एक सही सब्सटेंसेस के रूप में निकाला, नई चीज़ों के रूप में दिया, तो वो हमारे आइडियाज़ का ही हमारा कमाल होता है। जैसे हमारे भाई पेट्रोल है, हम वो तो है हमारे प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब तक हम टेक्निकल आइडियाज़ को यूज़ करेंगे तब तक हम उसको यूजफुल फॉर्म में नहीं कर सकते। दे कैन द मेक द बेस्ट यूज नेचुरल क्रिएट द मोर रिसोर्स, इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी भी रिसोर्स का प्राकृतिक रूप से जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका एक अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, तो उससे हम काफ़ी नए मोर रिसोर्सेज को बना सकते हैं। एज द दे हैव द नॉलेज, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज है, जानकारी है, कुशलता है किसी कार्य को करने की, टेक्नोलॉजी है, तो उसके अनुसार हम अपने जो प्राकृतिक रूप से हमें जैसे वाटर, एरिया, फिर सोलर एनर्जी, सोलर आपके तक उसको हमने यूज़ करके बनाया है, तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम नए नए दूसरे तरह के सोर्सेज को बना सकते हैं। यही ह्यूमन रिसोर्सेज महत्वपूर्ण होता है। एजुकेशन द हेल्थ हेल्प द मेकिंग द ह्यूमन इज वैल्यूबल रिसोर्सेज, शिक्षा देना और मतलब आप कह सकते हो कि एक स्वास्थ्य ही हेल्प करता है इन मानव की, ताकि वो एक महत्वपूर्ण या कीमती रिसोर्सेज को बना सके, इसलिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में एक ह्यूमन रिसोर्स का एक चैप्टर है, तो उसमें आपको पूरी अच्छी तरह डिटेल होगा ये वाला टॉपिक को। व्हाट इज़ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि बैलेंसिंग द नीड टू द यूज, जब हम एक संतुलन बनाते हैं जो भी हमारी आवश्यकता होती है और यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, कुछ तो हमने बैलेंस बनाया रिसोर्स को यूज़ किया, फिर हमने क्या कि आल्सो द कंजर्विंग ऑफ द कंजर्विंग द डैम टू फ्यूचर इज द कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब मैंने का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आज जो भी आज की अब उसमें रिक्वायरमेंट में हमारे किसी रिसोर्स पास, जैसे हमारे रिसोर्स पानी के रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया उसको अब यूज़ किया अपनी आवश्यकता अनुसार, और बाकी जब हम सही तरह से यूज करेंगे तो कुछ जो रिसोर्सेज हम हमारे पास बच के रह गए एक कंजर्व करेंगे, और हम उसको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम कायम रखेंगे, बचा कर रखेंगे, तो उसी को हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग है। यदि आपको एक बार समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको एग्जाम में लिखने के लिए रट्टा वेकेशन नहीं करना, आप जब समझ समझ के करोगे तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ द आवर प्लैनेट, जो भी भविष्य होता है हमारे प्लैनेट का, एंड इट इज़ द पीपल इज द लिंक विद, जो भी लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता से, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ, द सपोर्ट सिस्टम, द नेचर प्रोवाइड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा भविष्य है हमारे प्लानेट का, हमारे अर्थ का, वो हमारे लोगों से ही जुड़ा होता है, उसकी योग्यता से जुड़ा होता है, ताकि हम उसको मेंटेन करके सही तरह से यूज़ करें, मेंटेन बना कर रखें और उसको प्रिजर्व मतलब बचा कर रखें लाइफ की सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा, जो भी हमें नेचुरल ने प्राकृतिक से प्रोवाइड किया। इसका मतलब क्या है, जब हमारे सपोज करो हमारे ग्रीन हाउसेज, मतलब हमने क्या था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, या वाटर है, हमारी एयर है, हमारा सोलर है, जब हम उनको अच्छी तरह से, या हमारे रिन्यूएबल या आप कह सकते हो जो भी रिसोर्स है, जब हम उसको एक तरह से मतलब ठीक तरह से हम उसको बनाएंगे, मेंटेन करेंगे और उसको रखेंगे, ठीक तरह यूज़ करेंगे, तो हम फ्यूचर लाइफ के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ये सपोज करो आप ग्रीन ग्रीन सिटी को जैसे हम दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं अपने लाइफ के लिए, उसके लिए, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट संतुलन, ये वाटर को ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो पानी का लेवल वो काफ़ी नीचे जा रहा है, ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो जब हम चीज़ों को एक सही सही तरह से यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा नेचर वो बच कर रहेगा, जो भी नेचर है वही हमारी जो लाइफ है, हमारे ह्यूमन की लाइफ को बचा कर रहता है, वो सपोर्ट करता है। इसलिए हम जो भी ये चीज़ें होती है, मतलब सस्टेनेबल मतलब का मतलब होता है कि जब चीज़ों को बचा कर सही तरह से यूज करते हैं तो वो हमारी
लाइफ को सपोर्ट करेगा आगे भी, और हमारा ह्यूमन जो बींग है काफ़ी लंबे टाइम तक इस अर्थ पर जीवित रह सकता है। तो फिर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द वैन द ओवर रिन्यूएबल रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास का मतलब होता है जब हम सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा मिल जाए हम यूज़ करें उसको, सस्टेनेबलिटी उसको एक सही तरह से है। तो डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ होता है अर्थिक कंजर्व, इसलिए जो भी विभिन्नता है हमारे जीवन की वो बच कर रह जाएगी। एंड डैमेज द नेचुरल द एनवायरमेंट, और जो भी हमारे प्राकृतिक जो वातावरण है वो ख़राब हो रहा है तो वो भी बच कर रह जाएगा। इसे द मिनिमाइज, और जब हम उसको जो भी नेचुरल एनवायरमेंट, पार पानी को ठीक तरह यूज़ करेंगे, हवा को ठीक तरह से यूज़ करेंगे, पॉल्यूटेड नहीं करेंगे, पॉल्यूटेड मैटर में डिस्कार्डेड नहीं करेंगे, हमारे रिवर्स में तो सारा कर कम से कम करेंगे, तो आर सेविंग द फ्यूचर, और हम उसको क्या करेंगे उस प्राकृतिक को फ्यूचर के लिए बना कर रखेंगे। तो वही हमारा एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको इसके क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आया, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है कि इसमें सही आंसर को करेक्ट करना, जैसे हमारा है कि विच द वन वन फ्लोइंग डज नॉट मेक द सब्सटेंस ए रिसोर्सेज, क्या इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ें जो एक रिसोर्सेज नहीं बन सकता, जो उनकी चीज़ें नहीं बताए। यूटिलिटी उपयोगिता, किस चीज़ की उपयोगिता है, जब वो चीज़ को उपयोगिता है तो हम क्या करेंगे, वो हमारे रिसोर्सेज बन जाएगा। ठीक है, वैल्यूबल है, ये किसी भी चीज़ की वैल्यू है तो वो क्या हमारे रिसोर्सेज बन जाएगा। जैसे हमारा आधा दिमाग नुस्खे एक टाइम में जाके वो क्या, जब मार्केट में हम उसको सेल करेंगे तो वो हमारे रिसोर्सेज बन जाएगा। लेकिन यूटिलिटी उपयोगिता, आज हमें पानी की ज़रूरत है तो वो भी हमारी यूटिलिटी है। ठीक है, हम हवा की ज़रूरत है यूटिलिटी है क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं। लेकिन क्वांटिटी, क्वांटिटी जो मात्रा, उसका कोई भी एक तरह से मीनिंग नहीं है। तो क्वांटिटी जो होती है वो हमें एक रिसोर्सेज नहीं बन सकती। तो ये आंसर इसका थर्ड है ये। फिर हमारे इसमें सेकंड सेकंड में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो मानव के द्वारा बनाया है। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, भाई मेडिसिन है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए, तो मोस्टली यही है। दूसरा देख लेते हैं स्प्रिंग वाटर, ये तो बारिश का पानी है, वो तो प्राकृतिक रूप से मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जो भी हमारे इक्वेटर से 23 1/2 और 23 1/2 साउथ में जाते हैं, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ये हमारे प्राकृतिक रूप से, तो ये मानव से, मानव के हस्तक्षेप नहीं है। तो क्या चीज़ है मेडिसिन टू द ट्रीट द कैंसर। फिर हमारे इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो ड्राइव फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जो भी हमें मिला है जो भी हम लिविंग चीज़ों से बायोटिक, उससे जैसे भाई आप कह सकते हो जो लिविंग चीज़ें होती है तो उससे मिला है। फिर हमारा मेड बाय ह्यूमन के द्वारा नहीं बना है ये, फिर ड्राइव फ्रॉम द नॉन लिविंग के द्वारा नहीं बना है, तो हम इसको जैविक जैविक रिसोर्स कहेंगे जो हमें किसी लिविंग चीज़ों से बना है। तो अभी हमने ये कंप्लीट हो चुके हैं ये पूरी इसकी क्या नाम, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं आपको सेकंड चैप्टर, एक बार आपको पूरा चैप्टर की वीडियो मिलेगी और दो बार उसके क्वेश्चन आंसर की मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।